नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग के जिला विदिशा में फिर से यह भर्ती निकल चुकी है। मैंने जैसे आप सभी को बोला था कि प्रत्येक जिले में वैकेंसी निकलने वाली है और जिस जिस जिले का हमारे पास नोटिफिकेशन आता रहेगा हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग जिला विदिशा में भर्ती निकली है। तो यहाँ तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग भर्ती के बारे में विस्तार से हम जान लेते हैं। तो अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर PDF ओपन कर लिए। कार्यालय कलेक्टर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जिला विदिशा 8/2023 को ये नोटिफिकेशन जारी हो गया था सामाजिक न्याय दिव्यांगजन विभाग सशक्तिकरण विभाग मंत्रालय भोपाल। तो यहाँ पर इसकी लास्ट तारीख है 15/9/2023 शाम काल 5 बजे तक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सामाजिक न्याय विभाग में आपको जो पत्र भेजना है वो जिला पंचायत विदिशा के नवीन भवन कक्ष क्रमांक 4 में आपको या खुद से जाकर देना है या फिर आप जो है वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पद देखने को मिल जाएंगे और सैलरी सभी जिलों की सेम रहेगी। क्लिनिकल मनोचिकित्सक की यहाँ पर 20,000 देखने को मिलेगी, पद भी एक देखने को मिलेगा। वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट की देखने को मिलेगी। टोटल यहाँ पर 6-8 पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और सैलरी भी अच्छी खासी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सभी की टर्म एंड कंडीशन जो अलग अलग रहती है उसी के बारे में बात कर लेते हैं। सभी की आयु सीमा तो 1/1/2023 के अनुसार 18 वर्ष न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा होनी चाहिए, ठीक है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में पासपोर्ट साइज का कलर फोटो एवं शैक्षणिक योग्यता जाति प्रमाण पत्र अनुभव प्रमाण पत्र आदि सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले आवेदक को किसी प्रकार की यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा। आवेदक की नियुक्ति उपरांत पुलिस वेरिफिकेशन एवं जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा निर्धारित योग्यता से कम योग्यता वाले आवेदक एवं पूर्ण शर्तें पूर्ण ना होने की स्थिति में आवेदन पत्र को स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। आपको आवेदन देखने को मिल जाएगा, आवेदन का प्रारूप पर इसका आपको प्रिंट निकाल लेना हो और यहाँ पर आपको सभी भर के वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से यहाँ पर आपको भेज देना। जैसे कि मैंने आपको एड्रेस पहले बताया, हम एक बार एड्रेस बता देते हैं आपको। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जिला विदिशा, और आपको इसके बाद एड्रेस में और क्या लिखना है ये देखिए। यहाँ से आपको उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग सशक्तिकरण जिला पंचायत विदिशा के नवीन भवन कक्ष क्रमांक 4 में आपको 15/9/2023 से पहले आपको आवेदन पत्र अपना भेजना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी नए अपडेट नई जानकारी के साथ। अगर किसी दूसरे जिले का हमारे पास जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चल सके कि जिला विदिशा में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग में जो भर्ती निकली है उसमें आवेदन किस प्रकार से करना है।